साथियों नमस्कार। साथियों आप हरियाणा में जिस तरह से काम कर रहे हो बहुत अच्छा है और इस वक्त नंबर एक पे आप हरियाणा के किसान हरियाणा के मज़दूर काम कर रहे हैं। और जहां भी कोई नेता आता है चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छोटा नेता हो सभी को आप भगा रहे हो और बहुत अच्छा आप उत्साह दिखा रहे हैं और ये इनको सबक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका भी है। साथियों कल जींद में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके पहले भिवानी में हुआ है, सिरसे में हुआ है। हम निंदा करते हैं, लड़त देते हैं ऐसी सरकारों को जो इस तरह से विरोध करने पर, शांतिपूर्वक विरोध करने पर किसानों पर अत्याचार कर रही हैं और मुकदमे बना रहे हैं, लठ मार रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, हम इनके लठ भी खाएंगे, हम इनकी गोलियाँ भी खाएंगे, पर हम किसी पर आगे से हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी से मारपीट नहीं करेंगे। कोई हमारे से, पुलिस हमारे से जिस तरह की मर्जी व्यवहार करे। और आपको एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कि जो आप इस तरह से काम कर रहे हैं। और कल जींद में हमारी माताओं बहनों ने जो बहादुरी दिखाई है, हमारे किसान भाइयों ने जो बहादुरी दिखाई है और दुष्यंत को भगाया है, उसके लिए जींद के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ये करनी चाहूँगा कि हमारा कोई भी भाई पत्रकारों से मारपीट ना करे। पता लगा है कि कल जींद में कुछ एक पत्रकार से कुछ कहा सुनी हो गई है और मारपीट भी हुई है। तो साथियों मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कहीं आंदोलन की बदनामी ना हो जाए और मीडिया वाले भाई कहीं हमारे इस बात का बुरा मान लें। हो सकता है कोई वहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई हो और जिससे कोई लोगों ने ऐसा किया हो। लेकिन मैं ये बेनती करना चाहूँगा सभी से कि सभी संयम बरतें। अगर कोई पत्रकार, कोई सरकार का एजेंट या सरकार के नज़दीकी भी कोई होता है, उससे भी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भैया आप हमारी कवरिंग ना करें, या उसको आराम से कह दें। और मैं बेनती करूंगा कि आगे के लिए किसी पत्रकार से इस तरह से मारपीट ना करें। और पत्रकार भाइयों को भी कहूंगा कि आप जितनी अच्छी कवरेज हो, क्योंकि पुण्य का काम है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब तालमेल बना के रखें। सबका धन्यवाद।